ते पहले वो रसील पर को फूटी है तो एकदम कली डाल दी है वहां हां और फिर वहां रोड पे देख रहे हो मैं फूटो बाकी तने को तांड रही है अब तो पंडाल दी गए भाई। आज मजा आने वाला है, आज की ट्रिप पे बहुत कर रहा मजा आने वाला क्योंकि अपने साथ है एक और R15 ब्लू रेसिंग ब्लू, तो आज अपन उससे ड्रैग रेस भी करेंगे। बट ड्रैग रेस का शेयर सीन रहेगा कि मुश्किल है ड्रैग रेस कर पाए क्योंकि जो रास्ता है जाने का वो सिंगल वे, अगर हमको हाईवे मिलता है डबल वे वाला तो हम ड्रैग रेस करेंगे, अगर सिंगल रूट है तो ड्रैग रेस नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल रूट में हम तो अपनी तरफ से ही चलेंगे बट सामने वाला कब आया एकदम से वो नहीं कह सकते ना, इसलिए बाकी अभी नहीं है अपने पैंथर में पेट्रोल तो पहले पैंथर को खिला पिला देंगे कुछ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, सभी लोग इटालियन सभी लोग क्या हम तीन हैं और यहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ध्रुव भी जा रहा है हमारे साथ, तो ध्रुव कहाँ चलना है अपन आज? टाइगर भैया के यहाँ पर। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं टाइगर के यहाँ मुरैना, तीन लोग हैं, दो गाड़ियाँ हैं, थोड़ा ड्रैग रेस करेंगे उस हाईवे पर और ड्रैग रेस करने में आज काफ़ी मज़ा आएगा। देखना कौन सी जीतती है, V4 में या रेसिंग ब्लू जीतती है या ब्लैक जीतती है, देखते हैं दोनों एक ही सेगमेंट बट अपन भगा देंगे आगे, अपनी ज़्यादा पावरफुल है, इसने काम नहीं करवाया अपन ने, ज़्यादा काम करवाया गाड़ी में। तो पहले जा रहे हैं विक्टोरिया मार्केट क्योंकि पीछे वाले के पास चश्मा नहीं है और सामने वाले के पास भी चश्मा नहीं है, तो सबसे पहले ये लोग चश्मा खरीदेंगे फिर हम लोग निकलते हैं मुरैना के लिए। भाई यार अभी हम लोग खड़े हैं सिटी सेंटर पर और पानी आ चुका है और पानी आ गया अब हम जाएंगे कैसे, एक का इंतजार कर रहे थे वो पता नहीं कहाँ रह गया वो। जल्दी आ यार, पानी आ गया, भीग जाएंगे फिर, जल्दी आराम से गाड़ी देखा, आराम से जल्दी बैठ, बाद में मिलेंगे, जल्दी बैठ। तो भाई यार चलते हैं क्योंकि पानी आ गया है, भाई इसकी सर्विस हो चुकी थी। देखो चालान नहीं आया तो क्या आएगा, बिल्कुल येलो लाइन को साइड गाड़ी रखी है हमने अपनी, उसे पर रखा हुआ। ओ भाई ये निकल गया, यहाँ पर हम लोग को चेकिंग नहीं मिले क्योंकि यहाँ पर चेकिंग में रोक लेते हैं गाड़ी। निकाल दे, भाई फोन निकाल दे, ऐसे करने में अलग ही मजा आता है यार, रिस्क बड़ा है पर मजा अलग ही आता है, अगर राइडर होकर ये नहीं किया तो फिर क्या किया, क्या हुआ, चलो चलो। चेक करो कहाँ पहुंचे वो, देखो चेक करो इसे, ये ओवरटेक करेगा, ये ओवरटेक करेगा, मुझे पता ओवरटेक करेगा, देखो मैंने बोला ओवरटेक करेगा, स्पीड चेक करो, स्पीड चेक करो, क्या ही मजा आ रहा है इसको भगाने में, मजा आ गया आज तो भगाने में, पहली बार कोई बंदा मिला साथ का जिसके साथ भगाने में मजा आ रहा है, वरना अभी तक तो
ओ भाई ये चेक करो इसे। ये देखो गाइस, ये देखो ये चेक करो, ये गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ कमल के फूल। ये चेक करो गाइस कमल के फूल, यहाँ पर कमल के फूल लगते हैं गाइस। ये चेक करो कमल के फूल लगते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर बाइक का टोल नहीं लगता क्योंकि ये यमुना एक्सप्रेस वे नहीं है, एक्सप्रेस वे पर टोल लगता है। ये नॉर्मल हाईवे है तो यहाँ पर टोल नहीं लगता है बाइकों का, सिर्फ कार्स का लोन लग, वो कार से ऊपर की जितनी गाड़ियाँ फोर व्हीलर उनका टोल लगता है, टू व्हीलर का टोल नहीं लगता है। ये रोड बहुत बेकार है, यहाँ पर गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जैसे ये थी ना ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, यहाँ पर बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। तो आज ये अपने घर पर लस्सी पिला रहा है, इसका घर पहले पड़ेगा टाइगर से पहले, तो ये कह रहा है अगर घर पे दही हुआ तो मैं लस्सी पिलाऊंगा। इसका टाइगर के यहाँ चलेंगे, पेट इसी के यहाँ भर लेते, टाइगर का खाना कम खाएंगे। भाई कुत्ता पीछे पड़ गया। यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसका घर कौन सा है, कौन सा घर है तेरा, कौन सा हरिया वाला? तो गाइस चेक करो लकी का घर, ये रहा एलेक्स का घर। तो कैसा मजा आया ड्रैग करने में, मजा आ गया रहा, ऐसे ही चला करेंगे अपन तो इसको फुल पावर पे, फुल पावर में अभी अपन मोरेडा में आ चुके हैं, तो यहाँ से टाइगर का घर कितना दूर है? अच्छा ठीक है चलो। तो गाइस अभी हम लोग निकल आए हैं आंसू के घर से, और इसके बाद जा रहे हैं सीधे टाइगर के यहाँ, क्योंकि यार गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो इसने बोला मैं पहले आम का जूस पिलाऊँ कुछ ठंडा वंडा, मतलब इसने बोला था मैं लस्सी वगैरह पिलाऊँगा, बट आम का पिलाया, मज़ा आ गया आम का पी के। और अब निकलते हैं टाइगर के यहाँ पर, पहले गलियों में से निकाल लें क्योंकि यार गलियों में तो स्लो ही चलानी पड़ेगी, और ये मुरैना ऊपर से, फिर मुरैना की एक खासियत ज़्यादा अच्छी है कि अगर यहाँ पर किसी भी लड़के को देखोगे ना तो उसके गले में फेंटा ज़रूर होगा, मतलब साफ़ी ज़रूर होगी, यहाँ की शान है साफ़ी, चम्बल की साफ़ी शान है, हर किसी के गले में देख लो तुम साफ़ी होगी, गाड़ी पे चल रहा है साफ़ी होगी, देखो सामने भैया को देख लो साफ़ी है। जी भैया कैमरा है, ऐसा गाड़ी चला रहा तो आगे का पूरा रिकॉर्ड होता, पानी आ गया, हाँ अपन पे रिकॉर्डिंग को कुछ भी हो तो अपन सामने एक्सीडेंट वगैरह आ रहा तो रिकॉर्डिंग है पास देख, हाँ ऐसा कुछ होता नहीं है तो चक्कर में फेसबुक वगैरह पे देखे होंगे वीडियो वाली, वीडियो गाड़ी वाली वीडियो आता है आगे एक्सीडेंट हो गया, वो जैसे बनता है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जिगनी, मुझे नहीं पता था आशीन बताया है, इसका एलेक्स भी नाम है। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ टर्न लेना, इसी को रास्ता बताया क्योंकि टाइगर ने इसी को समझाया ये मुरैना का ही है। अच्छा कल से निकल जाएंगे, सीधे पहुँच जाएंगे, जा तू ना जा जोड़ा जा भाई आगे चल के, वो नहर नहर है, हाँ तो नहर पे थे पहले, वो रसील पर कोई फूटी है तो इतना कली डाल दी है, हाँ। और फिर वहाँ रोड पे थे देख रहा हूँ फूटो है बाकी तरह को तांड रही है, अब तो पंडाल दी गए फिर। ठीक है राम राम चाचा। ठीक है धन्यवाद। तो भाई लोग अभी हम लोग हो चुके हैं गांव में एंटर, तो यहाँ पर हम लोगों ने दादा से पूछा तो दादा ने बिल्कुल अच्छी तरह से डिटेल में रास्ता बता दिया हमको, कि इसको तो अच्छी तरह समझ में आ गया, रोहित को मेरे को भी आ गया, बाकी यहाँ से 2 किलोमीटर समथिंग का रास्ता और है। तो भाई अब आ गए अपन ऑफ रोडिंग पर, आराम आराम से यहाँ पर
चलो लोकेशन तो कंफर्म हुई है। जरा टाइगर साल ने परेशान कर लिया बहुत हमें। कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को पता नहीं चल रहा कि सामने कैमरा लगा हुआ है। आराम से बकायदा से शूट कर। किसी को पता नहीं चल रहा कुछ क्या चल रहा है। हम लोग कहाँ कहाँ भटक गए? दादा ने बोली कि तुम तो सही है खड़े हो। तुम तो एक किलोमीटर के चक्कर में हो गई। बड़े बुजुर्ग के पैर नीचे हो गए? कौन बड़े बुजुर्ग के पैर नीचे हो गए? और देखो खाने में क्या कहा था, खाने का तो देखो मिट्टी के उसमें था बर्तन में। खाना खाने के बाद दिखा रहा है ये देखो। खाना खाना खाने के इसलिए बात दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले खाने पे फोकस कर रहा था फिर उसका दिखाता। तूने तो खा लिया ना? मैंने तो खा लिया। तू तो पिटेगा अगर तूने नहीं खाया। 60,000 बस। 80,000 कैमरा बढ़वा। वो पे 1,00,000 तो ज्यादा बढ़वा। पानी पीऊंगा मैं। खीर भर के लेके जाएगा। खीर भर के ले जाएगा। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आम खाने के लिए। टाइगर हमको आम खाने के लिए ले जा रहा है, सॉरी आम खिलाने के लिए। सही चढ़ते हुए क्या लू बहुत बढ़िया। हाँ पता है हम यार गांव के ही हैं। सूखी चटनी। एलेक्स ऊपर चढ़ा हुआ है मेरे पीछे दिख रहा है एलेक्स। और आम कितने साथ उड़ लिया पकड़ जाते उठा ले उसे नीचे से देख रहे हैं आप। देखोगे ना सर्च करके यूट्यूब पर? सर्च करके देखोगे ना यूट्यूब पर? क्या नाम है? हाँ सर्च करके देखना। चलो ठीक है टाटा बाय बाय। ठीक है मेरे भाई जल्दी सी यू, मिलते हैं कल ग्वालियर में। आज यार अभी हम लोग निकला है टाइगर के यहाँ से क्योंकि सो चुका था जाना देर रुकने का कोई मतलब नहीं था। कैरी वेरी सब तोड़ लाया। अब ग्वालियर पहुँचे कैरी भी खाएंगे मतलब आम जो कच्चे आम रहते हैं बट मीठे हैं। इसके आगे भी टेस्ट किए थे हम लोगों ने बट मीठे थे। और यहाँ से निकलते हैं पहले तो जल्दी से और हाईवे पे थोड़ा सा शूट करेंगे एक दो वीडियोस का। तो गाइस यहाँ से हम लोगों ने कर दिया ट्रैक मोड ऑन। तो यहाँ से एक बार ट्रैक मोड पर भगाएंगे गाड़ी कैसी भागती है और ट्रैक मोड का क्या है इसका तो बताते हैं आप लोगों को। ये थोड़ा सा ट्रैफिक निकल जाए उसके बाद भगाते हैं गाड़ी। देखो अभी जो मेरे को ओवरटेक करके निकलेगा। चार आरपीएम से चालू होता है। आ चुदी यार ट्रैक में तो ले बोल नंबर वन।
अच्छा 6000 RPM से उठती है ना, इसलिए मेरा भी 2.8 का हो गया होगा वो RPM 6000 RPM से उठ रही है। वैसे अपनी 1000 RPM से उठती है और ये 6000 RPM से उठ रही है। पर मजा तो खूब आ गया आज, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। क्लिपें ऐसी गई हैं साए CSV चल रहे हैं, थोड़ा आराम करेंगे। चलो तो लाइट नहीं है तो काफ़ी मज़ा आया आज की रेस में। को मज़ा आया ना? मज़ा बहुत आया ना। तेरे को कैसा लगा? राइड करने चलेंगे। और तेरे को देख भाई, गले लगने की बात इसी लग गया। हाँ तेरे को क्या लगा आज, मज़ा आया कि नहीं? हाँ के दिखा रहा है। तो चलो गाइस यार, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।